हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी बैच टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीजी सेट के बारे में। आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको सामने डीजी फिट से रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, डीजी सेट क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो डीजी सेट होता है, ठीक है, वो एक तरह का डीजल इंजन और अल्टरनेटर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि फैराडे लॉ के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। डीजल इंजन फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डीजी सेट को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो डीजी सेट को बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा होता है, ठीक है, उससे हम डीजी सेट को स्टार्ट करते हैं। ये ऑटो मोड में होता है और मैनुअल मोड में होता है। तो इसको चेक करते हैं ऑटो मोड में कि कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, तो कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डीजी सेट स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग डीजी सेट को स्टार्ट करने जाते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फ्यूल का टैंक जो हमारा है, ठीक है, उसको चेक करना होता है। कूलेंट लेवल की कंडीशन क्या है वो देखना होता है, कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पैनल होता है वहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा है, इंजन ऑयल प्रॉपर है कि नहीं, ये सब देखना होता है, फिर उसके बाद ही डीजी को चालू करना होता है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, डीजी फिट में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली दो तरह का फ्यूल होता है, एक होता है HHD, एक होता है LDO। जो HHD होता है उसको बोलते हैं हाई स्पीड डीजल। जब डीजी का जैसे RPM 750 के ऊपर जाता है तो हम लोग HFD यूज़ करते हैं, और जो LDO होता है लाइट डीजल ऑयल, वो फर्नेस या फिर बॉयलर्स में वहाँ यूज किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, डीजी फिट में टर्बो चार्जर क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो टर्बो चार्जर होता है, बेसिकली इस पे मैंने अपना एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिकली जो एयर होता है, ठीक है, एयर को सिलेंडर के अंदर भेजने का काम करता है हाई प्रेशर के थ्रू, ठीक है। तो बाकी आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब है छठवां क्वेश्चन, टर्बो चार्जर की स्पीड कितनी होती है। वो डिपेंड करता है, अगर आइडियल कंडीशन में है तो इसकी स्पीड 25,000 से 30,000 RPM होती है, और अगर ये एक्सीलरेशन कंडीशन में है तो 1 लाख से 1.5 लाख लग इतनी स्पीड होती है, ठीक है। दोस्तों, सातवा प्रश्न है, डीजी सेट को सडनली क्यों नहीं बंद करना चाहिए। डीजी सेट को सडनली इसलिए नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि टर्बो चार्जर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, जो हमारा बेयरिंग लगा होता है टरबाइन और कंप्रेसर के बीच में, वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग, जो हमारा इंजन ऑयल होता है उसका यूज करते हैं, इसलिए हम लोग डीजी को एक अचानक नहीं बंद कर देते हैं, धीरे धीरे बंद होता है वो, ठीक है। दोस्तों, अब है हमारा आठवां क्वेश्चन है हमारा डीजी सेट के मेंटेनेंस के ऊपर, ठीक है। डीजी फिट को कितने भागों में बांटा गया है मेंटेनेंस को, ठीक है, ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। तो दोस्तों, इसका लिंक ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है, आप वहां से जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले इसका वीडियो बना चुका था। अब हमारा नौवां प्रश्न है, डीजी फिट में PT पंप क्या होता है। तो जो हमारा डीजी फिट होता है वो PT पंप का फुल फॉर्म होता है प्रेशर टाइमिंग पंप। ये डिपेंड करता है आपका जो डीजी है वो कितने सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, ठीक है। ये क्या करता है, फ्यूल का प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, ये पंप। दसवां प्रश्न है हमारा, डीजी फिट में लो कूलेंट लेवल अलार्म क्या होता है, ठीक है। लो कूलेंट अगर अलार्म आता है तो ये क्या हो जाता है, हमारे डीजी को शट डाउन कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग उसको प्रॉपर चेक करना होता है। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, डीजी सेट में कौन सा इंजन ऑयल डाला जाता है। तो आपको पता है डीजी फिट के अंदर जो होता है वो मल्टीग्रेड ऑयल होता है, ठीक है, जैसे कि 15W40, 25W60।
जो टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी को वेरी करती है। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, डीजी फिट में इंजन ऑयल ही क्यों डाला जाता है? ठीक है, सिंगल ग्रेड का ऑयल क्यों नहीं डाला जाता? तो इसका कारण है, जो हमारा सिंगल ग्रेड का ऑयल होता है, ठीक है, उसका नेचर होता है कि जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता है ज़्यादा, तो क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम हो जाती है। मतलब टेम्परेचर का बढ़ना और विस्कोसिटी का कम हो जाना, ये इसका मुख्य कारण है। 13वां प्रश्न है, डीजी सेट में बैटरी का क्या काम होता है? तो जो हमारा, ठीक है, रोटर की वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसकी एक्साइटिंग के लिए डीसी को करंट दिया जाता है, ठीक है, डीसी करंट दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, हमारा अल्टरनेटर फैराडे लॉ के हिसाब से काम करने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब 14वां प्रश्न है, डीजी सेट स्टार्ट करते समय बैटरी फेल्योर क्यों होता है? इसका रीजन हो सकता है, क्या पता हमारी बैटरी पुरानी हो, या फिर उसके जो टर्मिनल हैं वो लूज हो गए हो, ये सब कुछ मुख्य कारण है। 15वां प्रश्न है हमारा, डीजी सेट का इंजन एवरेज टेम्परेचर कितना माना गया है? अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स SAE, ठीक है, ने एक कैलकुलेशन दिया है जिसके अंतर्गत जो हमारे इंजन का एवरेज टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डीजी सेट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो जो हमारा 16वां प्रश्न है, इसको हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस में भी करते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक, ताकि हमें चलाने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अब हमारा जो डीजी सेट होता है वो किस रेटिंग में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है केवी या फिर केवीए में, ठीक है, किलोवाट एम्पियर। जैसे हमारा 2000 केवीए का है, 1200 केवीए का है, वो डिपेंड करता है डीजी फिट की रेटिंग के ऊपर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, डीजी सेट में फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, ठीक है, तो उससे मैक्सिमम आउटपुट मिले, इसके लिए हर सिलेंडर में जो पावर स्ट्रोक होना चाहिए, ठीक है, जैसे पावर स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, उसके लिए क्या होता है, एक सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है, सीक्वेंस, ठीक है, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा सिलेंडर मान लो 4 सिलेंडर का है, तो उसका जो हमारा फायरिंग ऑर्डर होगा 1 2 4 3, ऐसे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब है हमारा 19वां क्वेश्चन, डीजी फिट में कैनोपी फिल्टर का क्या काम होता है? ठीक है, तो ये एक तरह का फिल्टर होता है, ठीक है, एक वेंटिलेटेड कवर होता है जो ऊपर लगा होता है डीजी के अंदर। तो डीजी जब चलता है तो ये बाहर की हवा को, अंदर की हवा को बाहर भेजता है, वेंटिलेशन का काम करता है। अब है लास्ट क्वेश्चन 20वां, डीजी सेट को चलाने के लिए परमिशन किसे देनी चाहिए? तो जो हमारा डीजी सेट होता है, ठीक है, उसके लिए वेल ट्रेंड बंदा इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए और प्रोफेशनली ट्रेंड हो, जिसके पास डिग्री भी हो, जो उसके बारे में जानता हो, उसी को डीजी सेट चलाने की परमिशन देनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा। मेरे और भी ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते हैं, तो मेरे चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के बारे में पता चल सके। थैंक यू दोस्तों।